हेलो फ्रेंड्स आई देवांग प्रजापति फ्रॉम उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से दोस्तों आज रोज दोस्तों हम स्टैंडर्ड ट्वेल्थ इंग्लिश मीडियम के अंदर प्रीवियस ईयर पेपर में मार्च 2020 2020 एमसीक्यू के अंदर वीडियो नंबर दो बनाने जा रहा हूँ कि जिसमें आज रोज दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स से लेके 50 फिफ्टी तक यानी कि पचास पूरे पच्चीस एम सी क्यू यहाँ पर आंसर के साथ देखने वाले तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये बढ़िया वाला वीडियो अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे तो चलिए दोस्तों शुरू करते आज का ये वीडियो सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज 26 नंबर तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल हैविंग मॉलिकुलर फॉर्मुला ऑफ सी सेवन एच आर ब्लैंक तो इसमें दोस्तों ऑप्शन सी थ्री ऑप्शन सी थ्री इज द करेक्ट आंसर ठीक है ये वाला देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन फिनॉल एरो एक्स टू सेवेंटी थ्री कैलविन पेराब्रोमोफिनॉल इट अस इन द दबो रिएक्शन रिएजेंट एक्स इज ब्लैंक ब्रोमिन वाटर बी आर टू एफ बी आर थ्री बी आर टू सी ए थ्री से डब्लू एच और बी आर टू सी एस टू तो इसमें दोस्तों बी आर टू सी एस टू दैट इज ब्रोमिन वाटर कार्बन डाइसल्फाइड दैट इज द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन डी ओके देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट देन पेन टेन वन ऑल इज द करेक्ट आंसर वन पेंटेन ऑल और पेंटेन वन ऑल ओके उसके बाद क्वेश्चन है ट्वेंटी नाइन कॉन्जुगेट बेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज वीक तो एफ वाला जो ऑप्शन है दोस्तों एफ वाला सी एच थ्री सी एच टू सी एच एफ सी डबल एच दट इज द करेक्ट आंसर फ्लोरिन वाला ओके दट इज ऑप्शन बी इसमें ये था ओके okay, यहाँ पे बी ऑप्शन ओके देन क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री जीरो दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड यूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव दैट इज फॉर्मिक एसिड एडिपिक एसिड थैलिक एसिड और बेंज़ोइक एसिड ओके देन द करेक्ट आंसर दैट इज द बेंज़ोइक एसिड ओके देन द नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव रिएक्शन विद द हिंसबर्ग रिएजेंट हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कौन सा कंपाउंड जो है वो रिएक्शन नहीं कर रहा है ओके okay. नहीं दे रहा है ठीक है तो उसमें हमारे पास आंसर है टर्सरी ब्यूटाइल एम आइन टर्सरी ब्यूटायल एम ओके देन थर्टी टू क्वेश्चन नंबर थर्टी टू तो क्वेश्चन नंबर थर्टी टू में हमारे पास क्वेश्चन है ब्लैंक कंपाउंड गिवस हॉपमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन कौन सा कंपाउंड जो है ठीक है हॉपमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन हमें दे रहा है ठीक है तो उसमें इथेनामाइड इज द करेक्ट आंसर ओके देन द नेक्स्ट वन द रिएक्शन ऑफ ए आर एन टू सी एल एरो सी यू एच सी एल एआरसीएल एंड टू सी यू सी एल इज नेम्ड एज ए ब्लैंक रिएक्शन तो इसमें आंसर आता है गटरमान रिएक्शन ओके okay. बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ठीक है सीधे नेम रिएक्शन को आपको याद रखना है जितने भी नेम रिएक्शन हो उसके ऊपर से कुछ ना कुछ ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू पूछ सकते हैं ठीक है ठीके? थर्टी फोर विच ऑफ द बॉल स्ट्रक्चरल फॉर्मुला ऑफ ऑरेंज डाईन आंसर इज ओ एच वाला जो ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर ओके वाला देन थर्टी फाइव ब्लैंक विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी बॉडी के अंदर कौन सा विटामिन स्टोर नहीं हो सकता है ओके तो इसके अंदर दोस्तों करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी दैट इज सी विटामिन सी ओके देन क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स वीच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए में कौन सा बेस जो है वो प्रेजेंट नहीं है तो वो आंसर आता है यूरासिल दैट इज ऑप्शन सी बहुत बढ़िया वाला और ईजी एम सी क्यू है बहुत ईजी यूरासिल देन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्रोटीन इज ग्लोब्युलर प्रोटीन दैन कैराटीन इंसुलिन मायोसिन आलब्यूमिन ऐसे आपको फोर ऑप्शन दिए गए पी क्यू आर एन एस ओके तो इसके अंदर हमारे पास आंसर है क्यू एन एस ओके दैट इज इंसुलिन एंड आलब्यूमिन इंसुलिन एंड आलब्यूमिन इज अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन देन थायरोक्सीन ईज आयोडिनेटेड डेरिवेटिव ऑफ विच एम्युना एसिड ओके देन थायरोसिन डेरिवेटिव ऑफ विच एम्युना एसिड लाइक दैट द क्वेश्चन देव गिवन ओके तो इसके अंदर देखो फोर ऑप्शन है ग्लूटामिन सिस्टीन टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन ओके तो इसके अंदर हमारे पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज द टायरोसिन ऑप्शन सी दैट इज द टायरोसिन देन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कौन सा करेक्ट है तो ये पॉलीमर चैप्टर का है दोस्तों पॉलीमर चैप्टर तो पूरा कैंसिल में है ठीक है पर तो भी इसका आंसर हम देख लेते हैं ठीक है नाइलॉन टू नाइलॉन सिक्स इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ब्यूनायन इज अ को इज़ एडिशन कोपॉलीमर एडिशन पॉलीमर नाइलॉन सिक्स इज अ पॉलीएस्टर टाइप ऑफ पॉलीमर ओके तो इसके अंदर आंसर आता है ब्यूनायन इज अ को ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी विच ऑफ द मोनोमर ऑफ पॉलीमर हैविंग द स्ट्रक्चर दैट इज एन एच सी ओ एन एच सी एट टू एन टाइम्स वंस अगेन पॉलिमर चैप्टर का एम सी क्यू है दोस्तों ठीक है तो इसके अंदर आंसर जो है दैट इज यूरिया फॉर मालडीहाइट ओके देन क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन क्वेश्चन है विच ऑफ द विच इज द रिपीटेटिंग यूनिट इनप्रिन नियोप्रिन में कौन सा रिपीटेटिव यूनिट है ठीक है फोर ऑप्शन दिए गए हैं तो उसमें करेक्ट वाला जो ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन डी सी एच टू सी सी एल डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू ओके देन क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू इक्वानेल इज ब्लैंक ये चैप्टर नंबर सिक्सटीन का है जो कैंसल में इस, है ठीक ट्रंक, है और इसका आंसर है ट्रांक्विलाइजर ओके okay? देन विच ऑफ़ द फॉलोइंग फॉलोइंग सॉलिड इज वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इज इन सॉलिड एज वेल एज इन द मोल्टन स्टेट तो इसका आंसर है क्वाड्स ओके देन एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फ्रॉम एच सी पी लेटाइज एंड दोज ऑफ द एलिमेंट ए ऑक्युपाई वन थर्ड ऑफ द टेट्राइडल वॉइड्स वॉट इज द फॉर्म्यूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स ए एंड बी ठीक है तो इसमें आपको दोस्तों जो आंसर मिलेगा ठीक है देखो ऐसा क्वेश्चन आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दोस्तों अवेलेबल है ठीक है टेक्स्ट बुक के अंदर सेम टू सेम क्वेश्चन अवेलेबल है ठीक है वो है आपका एलो नंबर 1.2, ठीक है इलू नंबर 1.2 जो है आपका टेक्स्ट बुक का सेम टू सेम क्वेश्चन है ठीक है तो इसके अंदर आपको आंसर मिलेगा ए टू बी थ्री ओके द नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थोरम्बिंग क्रिस्टल ऑर्थोरम्बिक क्रिस्टल ठीक है ऑर्थोरम्बिक का फॉलोइंग कोई एग्जाम्पल है इसमें से ठीक है तो इसमें आपको करेक्ट आंसर मिलेगा दोस्तों बी एस ओ फोर ओके देक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स अ परमानेंट मैग्नेट वेन डिस प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज तो इसके अंदर आपके पास फोर ऑप्शन है जिसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है जिसमें ऑल द डोमेन्स गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वो ओरिएंटेड हो जाएंगे देन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन मोलालिटी ऑफ थर्टी परसेंटेज वेट बाई वेट एक्विज सोल्यूशन ऑफ एन एच तो ये मोलालिटी को आप कैलकुलेट करोगे फॉर्मूला के हिसाब से तो आपको आंसर मिलेगा दोस्तों टेन पॉइंट सेवेंटी वन मोल ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट तो फोर्टी एट क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज इन दैसियस फॉर्म ओके तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दैट इज सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पेलेडियम ओके दैट इज द करेक्ट आंसर फोर्टी एट नंबर देन फोर्टी नाइन वी हैव थ्री एक्वेस्ट सोल्यूशन ऑफ एन एस सी एल लेबल्ड एज ए बी एन सी विद ए कंसेंट्रेशन ऑफ पॉइंट वन मोलर जीरो पॉइंट जीरो वन मोलर जीरो पॉइंट डबल जीरो वन मोलर रिस्पेक्टिवली वैल्यू ऑफ वन टॉप फैक्टर अभी देखो वन टॉप फैक्टर कैंसल है इसलिए ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते पर तो भी हम इसका आंसर देख लेते हैं ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन है इसका आई सी ग्रेटर देन आई बी ग्रेटर देन आई ए इज़ द करेक्ट आंसर फिफ्टी इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बी है इलेक्ट्रोलाइटिकल वेन ई एक्सटेंशन सेन ई एक्सटेंशन जस्ट मीट सॉरी नॉट दिस वन तो इसमें आपको आंसर मिलेगा ई सेल लेस देन ई एक्सटेंशन ओके या फिर आप बोल सकते बोल सकते हो ई एक्सटेंशन ग्रेटर देन ई सेल ओके दैट इज़ द करेक्ट आंसर ओके सो यहाँ पे हमारा ये जो क्वेश्चन पेपर था 2020 मार्च 2020 वो इंग्लिश मीडियम में ख़त्म होता है ठीक है अभी मैं गुजराती मीडियम में यही पेपर बनाऊंगा ठीक है आंसर के साथ ओके दैट्स ऑल थैंक यू दोस्तों